हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में रिलेशनशिप की बात करेंगे एक बार फिर से, क्योंकि प्रॉब्लम काफी आ रही है और इसको कैसे क्रिएट करेंगे ये जानते हैं। क्योंकि इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बनाना है या किसी भी प्रकार का इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाना है आपको, तो रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। तो चलिए आइए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से ब्लैंक डेटाबेस चूज करता हूँ और ब्लैंक डेटाबेस को चूज करने के बाद यहाँ पर आएगा क्रिएट, तो यहाँ से क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। आप कोई नाम भी दे सकते हैं इसको, यहाँ पर मैं इसे नाम देता हूं स्कूल वन। ये स्कूल वन मैंने नाम दे दिया इसे। अब यहाँ पर ये प्राइमरी की है, इसमें मैं रोल नंबर रखूंगा स्टूडेंट का, ठीक है। और डेटा टाइप देखिएगा, यहाँ पर आपको नंबर रखना है, ठीक है। और यहाँ पर मैं रखूंगा स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट का क्या नाम है वो यहाँ पर आ जाएगा। स्टूडेंट नेम करने के बाद यहाँ पे स्टूडेंट की सिटी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ सिटी भी लिख लिया हमने और टेक्स्ट डेटा टाइप हमने रखा हुआ है। और यहाँ से व्यू पे क्लिक करेंगे और यस कर देंगे तो ये इस तरीके से हमारे सामने आ जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ से क्रिएट पे चलते हैं, दूसरा टेबल क्रिएट करते हैं। और ये दूसरे टेबल में कुछ और भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन होंगी स्टूडेंट की, ठीक है। तो पहले टेबल का नाम स्कूल वन और दूसरे टेबल का नाम स्कूल टू रख लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मैं लिखता हूँ रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, ये रख लिया हमने। और यहां पर जो डेटा टाइप होगा वो होगा टेक्स्ट, ठीक है। और रोल नंबर का जो डेटा टाइप होगा वो होगा नंबर, तो यहां लिखता हूं रोल नंबर, ठीक है। और यहां पर जो डेटा टाइप हम लेंगे वो लेंगे नंबर, ठीक है। और अब यहां पर स्टेट की बात कर लेंगे, स्टेट, तो ये स्टेट यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अब चाहे तो ड्रॉपडाउन भी बना सकते हैं, फिलहाल मैं ड्रॉपडाउन नहीं बना रहा। अब इन दोनों का रिलेशनशिप हमें क्रिएट कराना, ये दो टेबल्स हैं, इन दोनों में हमें रिलेशनशिप क्रिएट कराना। कैसे क्रिएट करेंगे, क्रिएट पे जाएंगे और क्वेरी विजार्ड में आ जाइए आप, और सिंपल क्वेरी विजार्ड इसी पे आपको रहना है, ओके प्रेस करना है। जैसे ही ओके प्रेस करेंगे तो ये स्कूल टू वाली टेबल हमें दिख रही है, अभी हमें स्कूल वन वाली टेबल पे जाना है और इन सबको एक साथ इधर लेके आ जाना है। इसके साथ साथ अब स्कूल वन वाले टेबल से हमने ले लिया, अब स्कूल टू वाले टेबल की बात करेंगे, कौन कौन सी चीजें हमें चाहिए होंगी। जैसे हमें चाहिए रजिस्ट्रेशन नंबर और स्टेट, तो ये दोनों चीजें हम ले लेते हैं और यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ओके प्रेस करेंगे और स्कूल वन और देन अब स्कूल टू को यहाँ पे इंसर्ट करा लीजिए, ठीक है। बहुत ही आसान है रिलेशनशिप क्रिएट कराना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, केवल जानकारी के अभाव में गलतियां हो जाती हैं। तो अब हमको क्या करना है, ये रोल नंबर जो है ना इसको उठाइए और उठा करके यहाँ सिंपली रख दीजिए आप। तो जैसे ही ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ एडिट रिलेशनशिप का एक विंडो ओपन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं एडिट रिलेशनशिप का एक विंडो ओपन हो चुका है। यहाँ पे इनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी पे टिक कर दीजिए और कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स पे टिक कीजिए और कैस्केड डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड्स पे भी टिक कर दीजिए। क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस तरह का एक मैसेज आपको भी आएगा। ये मैसेज क्यों आ रहा है मैं आपको बताता हूँ अभी। यहाँ पर पहले आप टेबल्स को ऑफ कर दीजिए, यहां से बंद कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए, क्लोज कर दिया आपने। अब आपके पास सिर्फ ये दो चीजें हैं, अब आप रिलेशनशिप बिल्ड कराइए। तो ये हो गया, अब यहाँ पर रेफरेंशियल इनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी पे टिक कीजिए, कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स पे टिक कीजिए, कैस्केड डिलीट रिलेटेड फील्ड्स पे टिक कीजिए और यहाँ से क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। ये रिलेशनशिप क्रिएट हो गई आपकी। अब फायदा क्या है इसका वो भी बताता हूं मैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, अभी इसमें कोई रिकॉर्ड हमने एंटर करा नहीं है, तो आइए पहले रिकॉर्ड एंटर करते हैं। पहले चलिए स्कूल टू वाले में रिकॉर्ड एंटर कर लेते हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन आईडी है 101, ठीक है, और रोल नंबर है 1, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जो आप दे रहे हैं एक टेबल में, ये बात ध्यान रखनी है कि दोनों में चीजें डेटा सेम ही होना चाहिए। अब जैसे स्टेट है यूपी, ठीक है, अब यहां पर आते हैं, पहले हम स्कूल वन वाले में फिल करेंगे, तो ये रोल नंबर 1 है, स्टूडेंट नेम है राम और सिटी का नाम है यूपी। तो ये दोनों गोरखपुर और लखनऊ दोनों यूपी से रिलेटेड हैं और ये मुंबई अलग है, ठीक है। अब हमको वापस आना है स्कूल टू वाले टेबल पे, यहाँ पर आ गए, रोल नंबर 1 यूपी स्टेट हो जाएगा, ठीक है, 102 रजिस्ट्रेशन नंबर है और रोल नंबर 2 आएगा यहाँ पे, ये बात ध्यान रखिएगा। अब ये जो है रोल नंबर 2, अब आपको देखना होगा कि आपने रोल नंबर 1 में क्या रखा, मतलब पहला जो क्वेरी बनाई है उसमें स्टेट क्या रखा हुआ है, सिटी क्या रखी है। तो यहाँ पे देखिए सिटी जो है आपने रखा है लखनऊ पहले में और दूसरे में गोरखपुर, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको स्टेट भी रखना है। तो यहाँ पे यूपी ही करेंगे हम, ठीक है,
और एट लास्ट थर्ड वाले में यहाँ पर क्या स्टेट दिया है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मुंबई है, तो इसको महाराष्ट्र कर देंगे हम। ठीक है, यहाँ पे स्टेट महाराष्ट्र, ठीक है, ये कर दिया हमने। और यहाँ पर 103 और यहाँ पर रोल नंबर 3। ठीक है, अब इनको सेव करने की बारी है, तो यहां से आप सेव कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब सेव करने के बाद इसका फायदा क्या है वो मैं आपको बताता हूं। चलिए इसको क्लोज कर देते हैं हम। ठीक है, सेव करने के बाद इसका फायदा क्या है वो मैं आपको बताता हूं। चलिए इसको क्लोज कर देते हैं हम। ठीक है, इसको दोबारा से ओपन करते हैं। यहां पर क्लिक किया हमने, अब यहां पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहां एक प्लस का साइन बना हुआ आ रहा है, आप देख सकते हैं। आपको पता करना है कि इनका स्टेट क्या है। ठीक है, अगर आपको पता करना है कि ये जो स्टूडेंट है राम, इनका स्टेट क्या है, तो आप डायरेक्टली यहां पर क्लिक कीजिए और देखिए इनका स्टेट के साथ साथ इनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी यहाँ पे आ रहा है। देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर और स्टेट दोनों शो हो रहा है, यानी राम का जो स्टेट है और रजिस्ट्रेशन नंबर है दोनों शो हो रहा है। आप फॉर्म भी बना सकते हैं इसमें, यहाँ पे जाकर के डायरेक्टली मैं फॉर्म पे क्लिक करता हूँ तो ये फॉर्म भी बन गया है यहाँ पे। इसमें देख सकते हैं आप राम का स्टेट क्या है, ये यहाँ पे अपने आप शो हो रहा है। इस तरीके से छोटे छोटे सॉफ्टवेयर को आपको क्रिएट करने में काफी मदद मिलेगी। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर के भी बारे में, अभी थोड़ी देर बाद मैं वो भी वीडियो रिकॉर्ड करता हूं और आपको वो भी वीडियो भेज देता हूं कि कैसे इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट का हम सॉफ्टवेयर इस पर डिजाइन कर सकते हैं। ये बात आपको जरूर समझनी होगी कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि रिलेशनशिप में अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। ठीक है, इस पर आगे और भी वीडियोस मैं बनाऊंगा। जैसे ये तो दो टेबल्स को रिलेशनशिप क्रिएट कराने के बारे में है, तीन या चार टेबल को कैसे क्रिएट करेंगे, ये सब सारी चीजें मैं आगे चल करके बताऊंगा। चलिए इंतजार कीजिए वीडियोस का। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।